तो गाइस सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, सामने में जो बेल बटन है उस पर क्लिक करें और मेरे आने वाले वीडियोस देखें सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में कोई अपने फोन को चार्जर के साथ कनेक्ट करके ज्यादा देर तक बैठे रहना पसंद नहीं करता। अगर हमारा बैटरी ज्यादा mAh का भी हो, फिर भी वो जल्दी खत्म हो ही जाता है, क्योंकि हम 2400 घंटे इंटरनेट यूज करते हैं, चैटिंग करते हैं, कॉल्स करते हैं। इस कारण से मैं आज आपके लिए 3 ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा चार्ज कर पाएंगे अपने फोन पर। तो मैं कोई आपको थर्ड पार्टी यूजलेस एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को नहीं बोलूंगा, आज मैं आपको पूरा जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा और इसे आपको जरूर फॉलो करना है। तो आज के वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं सनी और आप देख रहे हैं डी टेक्नो बॉय। तो दोस्तों, पहला जो ट्रिक है उसे आपको यूज करना है जब आप चार्जिंग के दौरान इंटरनेट यूज कर रहे हो या किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो। आपको सिंपली अपने फोन के सेटिंग्स पर जाना है, फिर डेवलपर ऑप्शन पर जाना है। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन अनेबल नहीं है तो आपको अबाउट फोन में जाकर बिल नंबर पर 7 टाइम्स क्लिक करना है, फिर आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, और वहां आपको चार्ज दिस फोन ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर जब आप चार्ज करेंगे अपने फोन को, आपका फोन दुगने स्पीड पर चार्ज होगा। और दूसरा ट्रिक तब कम आएगा जब आप अपने फोन में कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे चार्जिंग के दौरान, और आपको उस वक्त किसी से भी चैटिंग या कॉलिंग नहीं करना है। तब आपको अपने फोन को फ्लाइट मोड यानी कि एरोप्लेन मोड पर रखना है और आपका फोन उससे भी कई तेजी से चार्ज होने लगेगा। और मेरा आखिरी ट्रिक जो है वो शायद आप सभी यूज करते होंगे, जो कि है फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करना, जिससे आपका फोन गर्म भी नहीं होता है और बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाता है। तो दोस्तों, यही मेरा 3 ट्रिक्स, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे आप चार्ज कर पाएंगे अपने फोन को तेजी से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस बनाता रहता हूँ।